अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपको मेरा पिछले ब्लॉग जो इतने भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कर दिया करें कि आपको ब्लॉग बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर नहीं अच्छे लग रहे तो भी कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं आपका टाइम तो नहीं जाया कर रहा। तो खैर, आज जा रहे हैं हम शादी पे इस्मा भाई के दोस्त की। तो अभी मैं कपड़े वगैरह इसी करके हटाऊँ, अभी गाड़ी वगैरह भी साफ करनी है, देखनी है गंदी कितनी की है, और ये मूछें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो इन्हें भी आज काट देते हैं। मुझे इरीटेट बहुत ज़्यादा कर रही हैं, और कपड़े वगैरह मैं चेंज करते हैं। मशीन में लेके आ गया हूँ तो अभी उतार के देते हैं। ये कंघी वैसे बड़ी है तो मूछें पता नहीं काटती कि नहीं काटती, अभी देख लेते हैं। ठीक है ना, कुछ ज्यादा हल्की तो नहीं होगी गाड़ी? यहाँ पे डकी खड़ी है और बाइक पे इसके साथ लगी खड़ी है, वो भी बाइक इसके साथ लगी खड़ी है। अभी फिर वही काम है, इस बाइक को इधर लगाना पड़ेगा, उस बाइक को बाहर निकालना पड़ेगा, और ये कपड़ा उतार के देखते हैं कि गाड़ी कितनी गंदी है। साफ ही है तकरीबन, गंदी नहीं है, ठीक है, साफ है। गाड़ी बाहर निकाल दी है और मैंने बाइक वहाँ पे खड़ी कर दी है, यहाँ पे जगह खाली कर दी क्योंकि यहाँ से खिड़कियाँ वगैरह धोनी है, अभी वो धो रही हैं। तो मैंने नहा धो के तैयार हो गया हूँ। तो अभी प्रोग्राम हमारा ऐसा है कि अभी जाना है हमने फैसलाबाद। फैसलाबाद उस्मान भाई का दोस्त है तो उसकी बरात जानी है लाहौर। तो लाहौर जाना है उस्मान भाई के साथ, तो शायद मैं वहाँ पे व्लॉग ना कर सकूँ क्योंकि उस्मान भाई साथ होंगे और उस्मान भाई के दोस्त भी साथ होंगे, तो उनकी प्राइवेसी रखते हुए फिर शायद व्लॉग ना करूं। कोशिश करूंगा कुछ क्लिप्स आपके लिए रिकॉर्ड करूं। जी फैसलाबाद, तो मैंने अभी अपने हेयर वगैरह अभी कॉम नहीं किए, तो अभी सामने पेट्रोल पंप आ गया तो अभी पेट्रोल डलवाने लगे हैं। पता था कि मैंने कंघी वगैरह नहीं की तो अभी फैसलाबाद जाके करेंगे। अभी मेरे बाल गीले थे तो मस्त माहौल से मीठे से चोल हैं, तो मैं इसी तरह तैयार होकर निकल जाता हूँ। तो आप कह रहे होंगे कि छाती पे जा रहा है, कहते जा रहा है, तो भाई ऐसे ही जाते हैं। अभी मास्क वगैरह पहन लें तो जरूरी होता है, तो अभी मास्क पहन लिया मैंने क्योंकि आगे शादी पे जा रहा है तो जरूरी है। समुद्री से फैसलाबाद का तकरीबन घंटे का सफर है, तो अभी यहाँ पहुंच गए जी सलोनी जहाज। तो सलोनी जहाज जो है तो इस यहाँ पे सफों के लिहाज से मशहूर है, जो मस्जिद में बिछाने के लिए सफे होती हैं तो वो यहाँ पे बनती हैं, तो यहाँ पे सफे बनती हैं, ये मशहूर है सलोनी जहाज का इलाका सफों के हिसाब से। अभी हम पहुंच चुके हैं जी दालोवाल। दालोवाल की एक मशहूर हस्ती है यहाँ पे, बुजुर्ग हस्ती अबू अनीस बरकत अली, तो उनका यहाँ पे दरबार है। यहाँ पे हर साल जो है आई कैंप लगता है, वैसे तो पूरा साल चलता रहता है लेकिन साल बाद यहाँ पे आई कैंप लगता है, तो पूरे पाकिस्तान से जो भी बड़े डॉक्टर हैं, मायानाज महंगे तरीन डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ आके फ्री इलाज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों का इलाज होता है यहाँ पे। अभी ऐसा है कि हमें यहाँ पे आए तकरीबन घंटा दो घंटे हो गए हैं बैठे हुए हैं, तो अभी तक बारात चली नहीं है, तो बारात अभी यहाँ से लाहौर जानी है, तो हम अभी बैठे हैं बस उस्मान भाई के दोस्त के घर ही। तो अभी कोई अता पता नहीं है कब चलेगी कब नहीं चलेगी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी कॉलोनी घूमाए, तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है कॉलोनी, हवा काफ़ी प्यारी चल रही है, तो बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। अभी दूल्हा भाई भी आ गए हैं और गाड़ी भी आ गई है, तो उनकी गाड़ी सजने लगी है, तो अभी बच चुके हैं तकरीबन चार साढ़े तीन चार हो गए हैं। अभी दूल्हे भाई आए हैं और गाड़ी सजने लगी है, और जो वीडियोग्राफर उनके बैठे थे फोटोग्राफर
अभी शूटिंग होगी, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे लाहौर के लिए। फाइनली जी बारात जो चल पड़ी है, तो अभी तकरीबन 4-4.5 होने वाले हैं, तो अभी बारात चली है यहाँ से। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि टाइम कोई और दे के तो बाद में लेट कर देते हैं, तो वक्त की पाबंदी करनी चाहिए थोड़ी सी। तो हम 2 बजे से आके बैठे हुए हैं, तो अभी 4 बजे यहाँ से बारात चलने लगी है। अभी तकरीबन 5:30 हो चुके हैं, तो हम पहुंच चुके हैं जी सुखेकी क़यामत आम। तो यहाँ पे अभी गाड़ियाँ सारी रोकी हैं, तो उन्होंने पीछे गाड़ियाँ आने दे, किसी ने पानी वगैरह पीना दे वो पीने दे। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो है वो बनी हुई है, फ्राई चिक्स है और सारी ऐसे वाशरूम्स वगैरह जिसने भी करना हो, खैबर पास चनवारी, तो इस तरह सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो काफ़ी अच्छा क़यामत आम बना हुआ है। अभी हम यहाँ पर रुके हैं, पता नहीं कितनी देर स्टे होता है यहाँ पर, तो देखते हैं। पेट्रोल पम्प भी है यहाँ पर, एक पेट्रोल पम्प वो पे है, तो यहाँ पे चिकन ब्रोस्ट। अभी हम लाहौर के करीब पहुंचे हैं, तो हमारी जो गाड़ी है वो जवाब दे गई है, खराब हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है गाड़ी को, अभी तो जल्दी जल्दी बंद हो गई है, तो अभी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो अभी करते हैं 130 को कॉल, तो वो आके देखते हैं क्या करते हैं। तो गाड़ी अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही, अभी आपको बताता हूँ क्या कर रही है ये। तो अभी देखना, अभी गाड़ी बिल्कुल बंद है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये इसका ऑन हो गया है, तो आगे स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो पता नहीं क्या इशू बन गया इस गाड़ी को। ये बड़ा यार मुसीबत होती गाड़ी रस्ते में खराब हो जानी है। तो अभी हम लाहौर के करीब पहुंचे हुए हैं, तो अभी पता नहीं वापस कैसे जाना है, मसला कितना है, छोटा है बड़ा है ये भी नहीं पता, तो काफी ज्यादा टेंशन बन गई है। तो अभी 130 को कॉल करते हैं। लाहौर क्या है आपको क्या बताऊंगा आप। अभी पुलिस वाली गाड़ी आई है पीछे, तो उन्हें एक बताया मसला, तो अभी पता नहीं क्या बनेगा, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही। तो अभी देखते हैं, ये हमें खींच के लेके जाते हैं, कहते हैं कि मोटरवे से उतार देंगे, तो पता नहीं, अल्लाह करे स्टार्ट हो जाएगा जी, अल्लाह स्टार्ट हो जाए। अभी पुलिस वाला ने वर्कशॉप को कॉल किया, तो अभी सामने आ गई है, तो आपको दिखाते हैं वर्कशॉप। ये सामने वर्कशॉप आ गई है, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं हमारे साथ। अभी हमारी गाड़ी लेके जा रहे हैं कोडू अब्दुल मालिक से, नीचे उतार दिया हमें, तो अभी मैकेनिक आएगा, वो हमें साथ लेके जाएगा, फिर गाड़ी ठीक होगी। ये कह रहे हैं कि हम ठीक कर सकते थे, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी है, तो हम अभी ठीक नहीं करेंगे। गाड़ी मैकेनिक के पास लेके आ गए हैं, तो कोटा अब्दुल मालिक के पास ही मैकेनिक था, तो वो उसके पास लेके आ गया। अभी बेल्ट चेंज करने लगा है, तो उन्होंने भी बेल्ट दी थी हमें, मोबाइल जो है गैराज वालों ने, तो ये भी बेल्ट कह रहे हैं कि वो अच्छी नहीं है, तो अभी देखते हैं क्या डालते हैं। तो ये है जी वो बेल्ट जो टूट चुकी है अभी, तो नई बेल्ट डलती है। तो हमारी गाड़ी अभी ठीक हो गई है, तो अभी हम जाने लगे हैं शादी पे। भाईजान ने बड़ी मेहरबानी की है, बड़ा मेहरबानी है उनकी, तो उन्होंने जल्दी कर दी हमारी ठीक, तो ज्यादा टाइम नहीं लिया, और हमें पीछे से धक्का लगा के यहाँ तक लेके आए, तो उनकी काफी मेहरबानी है। तो लाहौर पहुंचे हैं, तो लाहौर में हो रही है काफी तेज बारिश, तो आपको नजर आ रहा होगा बादल भी चमक रहे हैं, गरज रहे हैं, बारिश हो रही है। तो हम जी समुद्री पहुंच चुके हैं, तो अभी तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता, समुद्री पहुंच चुके हैं। अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो गाड़ी अब हमारी अब ठीक ही चल रही है, तो मैं स्लो लेके आ गया था, तो तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।